बमबारी हो रही है। सारे मोबाइल यूनिट फौरन रिपोर्ट करें। भाई दुनिया डॉक्टर रिपोर्ट को भी फायरिंग हो रही है। सारे मोबाइल यूनिट फौरन रिपोर्ट करें। इंस्पेक्टर चौहान फौरन रिपोर्ट करें। इंस्पेक्टर चौहान कम इन अर्जेंटली। इंस्पेक्टर चौहान हेडक्वार्टर्स कॉलिंग। उठाता क्यों नहीं? स्पीकर फटने को आया है। अरे चलने दे बॉम्बे को, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। तुझे क्या लगता है किसने किया होगा ये? अब इसका जवाब तो एग्नेल सर भी दे सकते हैं। सर क्या हुआ? एग्नेल साहब को होश आ गया। सर सर क्या हुआ? सर कौन था वो? किसने किया ये सब? आप उसका नाम बताइए सर। सारी जिंदगी सलाखों पे सर पटक के रोएगा वो। सर बोलिए सर, कौन था वो? क्या नाम है उसका? एग्नेल विल्सन। क्या? मैंने तहकीकात कर ली है, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं। मतलब? मतलब ये कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम सर? चौहान, ना तो गाड़ी में कोई डेंट है ना डैमेज हुई है, और गाँव वालों से पूछा मैंने, ना एक्सीडेंट हुआ ना ब्रेक फेल हुए। गाड़ी को सीधा खाई में जाते हुए देखा था लोगों ने। बताना तो तुम्हें पड़ेगा एग्नेल, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तुमने? खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की तुमने? आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो तुम कमजोर पड़ गए। फर्श से भाग रहे थे या डर गए? फर्श से नहीं सर, अपने आप से भाग रहा था। और मैंने जिस मुश्किल में शहर को डाला है, मुझे मौत भी आसानी से नहीं आएगी। जो भी इस शहर में हो रहा है अग्निल, उसकी वजह तुम नहीं हो। धमाकों की आवाज में दफन है बंबई, और इस सब की वजह मैं हूं। एक आदमी की बुनियाद हिलाने चला था, आज देखिए पूरा शहर हिल गया है। कौन आदमी? किसकी बात कर रहे हो तुम? सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा? इस कहानी की शुरुआत सुल्तान से ही हुई थी। सुल्तान मिर्जा आजादी के साल दो साल बाद ही मद्रास में एक जबरदस्त बाढ़ आई। अपना सब कुछ गंवाकर वो दो हाथ का लड़का बंबई आ गया। अगर वो बाढ़ ना आती तो शायद बंबई को सुल्तान नहीं मिलता, और सुल्तान को बंबई। समुंदर किनारे गोदी में उसे काम मिल गया। सुना है कि सारा दिन कोयले के बीच काला होने के बाद उसे चार आने मिल जाया करते थे। उस छोटी सी उम्र में भी सुल्तान को दिल जीतने का हुनर अच्छे से आता था। तू मेरे को भीख देगा तो खुद क्या खाएगा? दुआ, आपकी दुआ खाऊंगा। आप बड़े हैं ना, तो आपकी दुआ से मैं एक बड़ा इंसान बन सकता हूँ। जेब खाली है तेरा, और बातें सुल्तानों वाली करता है। बस उस दिन उसका नामकरण हो गया सुल्तान। उसकी कम उम्र और मासूम चेहरे ने उसका बहुत साथ दिया। मजदूर से मालिक बनने का सफर शुरू हो गया था। मछली की टोकरी में छुप के आया वो बच्चा एक दिन समुंदर पर राज करेगा, किसे पता था। पर ये मुमकिन हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात पर कायम रहता था। सुल्तान, हमें पठान का साथ नहीं देना चाहिए, दुश्मन है वो हमारा। जब दोस्त बना के काम हो सकता है पैट्रिक, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? ट्रक में 6 लाख का सोना है,
पुलिस को मालूम है कि ये सोना शहर में पहुंचेगा जरूर, इसलिए शहर के हर रास्ते पर कड़ी नाकाबंदी है। माल आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? जैसे तू हुआ था, ऊपर वाले की दुआ से, थोड़ी मेहनत से और बहुत सारी लगन से। काम हो जाएगा। ए, सबकी तलाशी ध्यान से लेना। अरे फाटक क्यों नहीं खोल रहा, हमें देर हो रही है। चेकिंग चल रही है। बहुत ही ज्यादा मतलबी निकला सुल्तान, कुछ लाख के सोने के लिए हजारों जिंदगी खतरे में डाल दी। काम अभी पूरा नहीं हुआ है वर्दन। तेरा नाम सबसे ऊपर होगा सुल्तान। सुल्तान को बंबई से प्यार हो गया था। वो नहीं चाहता था कि बंबई की सड़कों पर दहशत फैले, इसीलिए उसकी पठान, विष्णु, वर्धन और वर्गीस से मुलाकात जरूरी थी। लड़के सबके तेज हैं, बाजुओं में सभी के दम है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हम सबका है। सोच लो, बात खत्म करनी है
यहाँ कहानी शुरू। तू कहना क्या चाहता है सुल्तान? कौन सी चौकी में सबसे ज्यादा सलाम होता है वर्दन? धारावी। तो फिर ठीक है, धारावी चौकी से लेके परेल चौकी तक हम में से कोई आपके काम में दखल नहीं देगा। सुल्तान, ये बंटवारा हमें मंजूर ना हो तो? मैं चाहता था कि हम सब अपने अपने धंधे में बड़े बने। लो, काट लो एक दूसरे को। हम सब आपस में लड़ेंगे, उससे पुलिस का काम आसान होगा, हमारा नहीं। जब दोस्त बना के काम हो सकता है पठान भाई, तो फिर दुश्मनी क्यों करें? डोंगरी चौकी से लेकर साइन चौकी तक आपका। वर्गीस भाई, कुलाबा चौकी से लेकर तारदेव चौकी आपका। सुना है आप बहुत तेजदार अंग्रेजी बोलते हो, वहां काम आएगी। बैंड्रा चौकी से लेकर बरसुआ चौकी विष्णु आपका। पुलिस चौकी के हिसाब से शहर बांट रहे हो सुल्तान। चौकियां चाहे पुलिस की हो, शहर के कमिश्नर तो हम ही लोग हैं। सुल्तान, सारा शहर तो हम लोगों में बांट दिया, खुद के लिए क्या? वैसे तो पूरा बंबई मेरा है और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं, समुंदर है ना मेरे पास। ये समुंदर ही है जो हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से मिलाता है। इस किले पे कब्जा कर लिया तो हमारा जहाज कभी नहीं डूबेगा। जिंदा थे वो लोग जिनमें हालात बदलने की हिम्मत थी। जिस चीज पर हमने रोक लगाई उसी चीज की उन्होंने स्मगलिंग शुरू कर दी। उन लोगों ने ऊपर चढ़ने के लिए कानून को ही अपनी सीढ़ी बनाया। दागा साहब, 6 मिल के मालिक हैं, भाई से झगड़ा हो गया। ये काम तो पुलिस का है। पैसा तो वहां भी देने हैं, आपको भी? मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता। सुल्तान भाई, मेहरबानी कीजिए सर। दागा साहब के लिए एक टैक्सी मंगाओ। मैं टैक्सी से क्यों जाऊंगा, मेरी तो गाड़ी। मैंने कहा ना, मैं हर काम पैसे के लिए नहीं करता। इसका खाना पीना ठीक से करना और दुआ में याद रखना। कोरट कचहरी से नहीं डरता हूं मैं, समझी क्या? छूटने के बाद सबसे पहले तेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। ए, चुप, चल। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, मैं उनका बाप बनकर आता हूं। नाम याद रखना, सुल्तान मिर्जा। सुल्तान हर आदमी के साथ था। जहां जहां सरकार गरीबों की मदद करने में चूकी, वहां वहां सुल्तान उनके लिए आगे बढ़कर खड़ा हो गया। बुजुर्गों की कहानियों में एक ही राजा होता था, इस कहानी में दो हैं। एक राजा बना अपने जिगर से, दूसरा अपनी जिद से बनना चाहता था। क्या नाम है तेरा? शोएब खान। और तेरा? जावेद। पैंट पहनना शुरू नहीं किया और चोरी करना चालू? निकर में भागने में आसानी रहती है ना। जुबान चलाता है? चल पुलिस स्टेशन।
मुझे अंदर करके कौन सा मेडल मिलने वाला है? देखो आधे सिक्के रख ले, दो तीन थप्पड़ मार और बात खत्म कर। अबे चिंदी चोर, कैसी बात कर रहा है तू? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सुल्तान मिर्जा हो। कौन है तेरा बाप, क्या नाम उसका? उसे भी बुलाता हूँ पुलिस चौकी में। बुलाने की क्या जरूरत है, वहाँ पर ही रहता है पुलिस वाला, वो भी सब इंस्पेक्टर खान। क्या? अरे जाने दो ना साहब, अब्बा बहुत मारेगा। तब ही तेरी अक्कल ठिकाने आएगी। चल चल पुलिस स्टेशन, चल। तू बड़ा है ना, तेरे में जोर ज्यादा है, पर याद रखना जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ते जाएगा तेरा घटता जाएगा, जैसे जैसे मेरा जोर बढ़ता जाएगा तेरा कम होता जाएगा। तब दिखाऊंगा जितना मेरा बाप मुझे आज मारेगा सब चुपचाप कर दूंगा सूद समेत। बुड्ढे साले, ऐसी कौन सी जरूरत है तेरी शोएब जो पूरी नहीं होती? बोल बोल, न तेरी आंखों में शर्म है ना माफी। आंखें नीची कर, आंखें नीची कर। आज मैं तुझे सीधा करके छोड़ूंगा शोएब। खान, क्या कर रहे हो भाई? पांच थप्पड़ मार चुके तुम मुझे, अब जाने भी दो, बच्चा ही तो है। पांच और सूद के साथ छह। बच्चे बच्चे में सुल्तान बनने की चाह थी, पर सुल्तान के दिल में एक ही नाम था, रेहाना। इस कहानी की सबसे खूबसूरत और अहम कड़ी रेहाना। कमाली कर दिया। एक मौका मुझे भी दीजिए प्लीज रिहाना, और मेरी फिल्म भी कर लीजिए। हमारी मैगजीन की पार्टी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। आपने बचपन में भी काम किया और आज भी आप एक कामयाब हीरोइन हो। इतनी लंबी इनिंग्स रिहाना जी, कैसा लग रहा है? बचपन में काम करती थी तो लगता था सब खेल है, और अब काम कर रही हूँ क्योंकि खेलने की उम्र नहीं रही। इस बार तो तुम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीत गई हो, लेकिन इस बात पर ज्यादा मत इतराना, मेरी आने वाली चार फिल्में काका के साथ है। जानती हो उन्हें लोग क्या कहते हैं? सुपरस्टार। एक्चुअली सुपरस्टार। वन लास्ट क्वेश्चन, आप सबकी ड्रीम गर्ल हैं, आपका ड्रीम मैन कौन है? ना कोई सुपरस्टार और ना ही कोई जुबली स्टार, मेरा ड्रीम मैन वो होगा जो 60 सेकंड में मेरा दिल जीत ले। चंद्रू, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे रेहाना जी आ गई। एक मिनट भाई, पहली बार मिलने जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना है। चाराने का है साहब। ये तो बड़ा है, ये महंगा होगा। अरे साहब कोई भी उठा लो, सब चाराने का है। सोच, ये दुनिया का आखिरी अमरूद है, इसके बाद कोई और अमरूद नहीं उगेगा। अब ये कितने का है? 4 रुपए। सोच, मुमताज ने अपने हाथों से इसे पानी देकर उगाया, सलीम के हाथ में फूल नहीं अमरूद रहता था, अब ये कितने का है? 40 रुपए। अबे यार सोच, आदम ने सबसे पहले सेब नहीं ये अमरूद खाया था, अब ये कितने का है? 400 रुपए। 400 रुपए। एक कुर्सी ले आओ। कुर्सी आने तक यहाँ आराम कर लो। जब तक तुम जैसे मर्द दुनिया में हैं, औरतों को आराम कहाँ? ज्यादा छुईमुई बनने की जरूरत नहीं है, हाँ? खुली किताब हो, एक दो पन्ने हम पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, फायदे में रहोगी, समझी? तुम शराफत का पाठ पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, कबूल कीजिए। ए कौन है तू? हाँ? पूरे 400 रुपए का खरीदा है, महंगा कुछ नहीं मिला तो सस्ते कोई महंगा खरीद लिया।
अरे देखो भाई देखो, रेहाना जी के चाहने वाले उनके लिए 400 रुपए का पेरू लेके आए हैं। चल दे दिया ना, अब फुट यहाँ से। आज रात खाना खाएंगे आप मेरे साथ? अबे ओ अमरूद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रेहाना जी तुम्हारे जैसे राह चलते के साथ खाना खाती फिरती है क्या? हाँ, जिनकी मंजिल एक होती है वो रास्तों पर ही तो मिलते हैं। अबे ओ शायर, बंद कर अपनी महफिल, नहीं तो अभी क्षमा बुझा दूंगा तेरी में। क्या ये क्या कर रहे हो? मैं दिल लगा रहा हूँ, तू जुबान लड़ा रहा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानते तुम किससे बात कर रहे हो? देखिए तेरी दो चार फिल्में, हंसता है तो ऐसे लगता कुत्ता हाँफ रहा है। अभी तुझे बाहर फिंकवाता हूँ। हंस के दिखा, हंस के दिखा। क्या नाम है तेरा? अबे हंस, क्या नाम है तेरा? हंस। ए बड़ा इधर आ, नाम बता मेरा। सुल्तान मिर्जा। सुल्तान भाई, गलती हो गई, मुझे वाकई एक्टिंग नहीं आती सुल्तान भाई। चुप। आज रात 8 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी सबसे पसंदीदा जगह पर। सुल्तान जी, राणा जी। चुप। एक आलू गोभी। ओके सर। सर आज भी आलू गोभी? राइट सर। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। यकीन नहीं हो रहा लेकिन यकीन था कि आप जरूर आएंगी। सुल्तान मिर्जा राइट? आप यहाँ कैसे? आपको कहा तो था कि आपकी पसंद की जगह पर इंतजार करूंगा, तो कर रहा हूं। आपकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है? इस बात को तो 15-20 दिन हो गए ना? 18 दिन से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और रोज आलू गोभी खा रहा हूँ। आलू गोभी क्यों? सुना है आपको बहुत पसंद है, ऑर्डर करूँ? आज भी आपको अकेले ही खाना पड़ेगा, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं, एक फिल्म की कहानी सुनने आई हूँ। और आज करेला ऑर्डर कीजिए, मुझे वो भी बहुत पसंद है। इस्माइल। यस सर। एक करेला। ओके सर। आज भी आप किसी की कहानी सुनने आई हैं या हमारी कहानी आगे बढ़ेगी? बेसब्र आदमी जबान भी जला लेता है और खाने का मजा भी नहीं ले पाता। एक बात कहूं, जब जब कोई हीरो आपको पर्दे पर छूता है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। ऐसा क्यों? पता नहीं, जब भी आप पर्दे पर होती हैं मैं कुर्सी पर रोता हूं। ऐसा क्यों? पता नहीं, वो फिल्म अनपढ़ भाप, जब आप हीरो से कहती हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो मां कसम आप पेट से लग भी नहीं रही थी और मैंने बच्चे का नाम भी सोच लिया था। क्या मैं आपको एक बार छू सकता हूं? ऐसा क्यों? मैंने हमेशा आपको टिकट लेकर देखा है, आज आप मेरे सामने बैठी हैं तो देखना चाहता हूं कि ये सच है या सपना। कौन हो तुम? सुल्तान मिर्जा। नाम तो मैं जानती हूं और उसका असर भी देख चुकी हूं, लेकिन सुल्तान मिर्जा है कौन? अभी हिम्मत कहना, ऐसा क्यों? जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारी क्या कोई टिकट?
डिक्शनरी है जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। ऐसा क्यों? तुमने कहा था तुम्हारे जन्मदिन का जश्न है, यहाँ तो सिर्फ हम ही दोनों हैं। मैंने सुना है कि दो लोग मिलकर घर बना लेते हैं, हम जश्न नहीं मना सकते। वैसे भी आज पहली बार मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। ऐसा क्यों? आज से पहले कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको मेरी पैदा होने की खुशी हो। जन्मदिन की खुशी तो मुझे भी कभी नहीं हुई। बहुत सारे लोग आते थे बहुत सारे तोहफों के साथ, जिनकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती, जो मुझे मंजूर नहीं था। आज मैं इस वक्त को याद करती हूँ तो सपने भी खिलौने आते हैं। तीन तोहफे लाई हूँ तुम्हारे लिए, हर तोहफे के साथ एक पहेली है। हल कर लोगे तो तोहफा तुम्हारा। पहला तोहफा, बचपन से आज तक तुम कभी इसके अंदर कभी बाहर। ऐसी चीज चल नहीं, हथकड़ी, सफेद कमीज जैसी तुम्हें पसंद है। तुम्हें रंगों से परहेज है क्या? रंगों से परहेज नहीं, काले से बैर। इस बैर की वजह? बचपन काली रातों में गुजरा और जवानी काले कामों में। गोदी में काम करता था, कोयला भरता था क्रेन में, बस वो काला कोयला मेरी रग रग में बस गया। यहां तक कि आंखें खुली रखो तो आंसू भी काले और बंद करूं तो सपने भी काले। तब से इन पलकों का आराम नहीं। मेरा दूसरा तोहफा, इसमें ऐसी चीज है जिसे तुमने आज तक अपने गले से दूर रखा है। कानून का पंदा? टाई है, टाई। तुमने आज तक मुझे टाई पहने हुए देखा है? तुमने मुझे अमरूद खाते हुए देखा है? लाए ना मेरे लिए। तीसरी पहली तुम रहने दो, इसमें घड़ी है, खोल के देख लो कैसी है। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? अच्छी है लेकिन चल नहीं रही। मिर्जा जी ये अपनी मर्जी से नहीं चलती, कलाई पे पहनिए, आपके नब्स के हिसाब से चलेगी। ये नब्स के हिसाब से चले तो ठीक है, नब्स इसके हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। ये रुकी तो कहीं मैं भी। चांदी रात बन गई, दौरान मेरी पोस्टिंग
बंबई में हुई। बंबई रात की बाहों में रहता है और रात की बाहों में रहते हैं कुछ खतरनाक इरादे, कुछ खतरनाक लोग। कहाँ जा रहे हो आप? आज कहाँ की रखवाली कर रहे हो? बांद्रा। आज पहली बार सही रास्ते पे मिले हो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। बैठो। अभी ये दे। तू ये मार। अब्बा। क्या? चलो। अब्बा की ड्यूटी आज यहीं की है। तो फिर कल पे रखे। आज का काम कल पर छोड़ूंगा तो आज बुरा मान जाएगा। चल। काम बता। ये लो साहब। तो बहुत पिट गया है, इस हालत में घर भी नहीं जा सकता। वो घर देख रहा है, वहां जा, बेल बजा, डॉक्टर बुला और दरवाजा खोल के रख। चल। कौन आ गया इतनी रात को? अरे देखो ना, क्या हुआ? कौन है ये? काफी भारी है, कैसा लगा मैम? वो दिखाना। ये नहीं नहीं, ये मैंने पसंद नहीं आया। ये लेटेस्ट डिजाइन है। अच्छा है पर समझ में नहीं आ रहा है। तुझे हार समझ में नहीं आ रहा है और मुझे तुम। निकल यहां से। क्या? चल निकल। शोहेब क्या कर रहे हो? मैम आप रुकिए, आप रुकिए। अगर अभी नहीं गई ना तो जो पहन कर आई है वो जेवर भी यहीं छोड़कर जाएगी। शोहेब क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? नहीं नहीं मैम, आप प्लीज बैठिए, ये देखिए, ये देखिए। और नहीं बेइज्जती करवानी हमें अपनी। मैम मरने की उम्र है और झुंझुना खरीदने के लिए। मैम मैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की है। इतना भी मत बिगड़ो कि सुधरना मुश्किल हो जाए। मुश्किल तो ये है कि मैं भी ठीक तरह से बिगड़ा भी नहीं और तुमने सुधारना शुरू कर दिया। बातें मत बनाओ, काम बोलो, क्यों आए हो? बेचना है? पहनाना है। किसे? इसे। तुम्हें? किसके गले से निकाल कर हमें पहनाने लाए हो? क्या कहा तुमने? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं चोर हूँ? हाँ? लोगों के गले काटता फिरता हूँ? जा, मुझे नहीं दे रहा तुम्हें।
शोएब, ठीक है, नाराज मत हो तो। हाथ छोड़ मेरा। हमने छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? शोएब क्या कर रहे हो? बिगड़ना शुरू कर रहा हूँ। शोएब, तुम सुधारना मत। शाम का इंतजार नहीं कर सकते थे? शाम तक रुकूंगा तो सुबह बुरा मान जाएगी। भागने तुम्हें क्राइम को रोकना नहीं, खत्म करना है। माफिया बॉम्बे में है और बढ़ते जा रहे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ 5 लोग जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर फिर भी पूरा शहर इनके कब्जे में है। जहां दूरदर्शन नहीं, ये लोग वहां भी हैं। कोई आपसे दुश्मनी हो सकती थी, मगर सुल्तान ने कभी बढ़ने नहीं दी। उसने उन सबको अलग करके एक कर दिया। इसे जानते हो ना? इसे कौन नहीं जानता, मशहूर फिल्म स्टार रेहाना। उससे भी ज्यादा मशहूर बात यह है कि आजकल ये सुल्तान मिर्जा के बहुत करीब है। बाकी सब छुपके काम करते हैं और सुल्तान के बारे में रोज अखबारों में छपता है। तुम खुद सोचो, आज का नौजवान जिसे छोटी मोटी नौकरी पाने के लिए भी बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए सुल्तान मिर्जा खुदा है। एक बार उसके रास्ते पर चलो, बंगला, गाड़ी, फिल्म स्टार सब मिल जाएंगे। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। इसे जेल तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। गाड़ी चाहे कितनी भी तेज हो सर, उसे रोकने के लिए एक कील काफी है। You leave it to me, sir. Good luck. रामू, मोती, कहाँ चले गए सबके सब? घर में लाइट क्यों नहीं है? कट! किसने कट बोला? फुल लाइट्स! ओए मेरे होते हुए कट किसने बोला? कैमरा जब कर लो, ये सील करो सब कुछ, लाइन में लगाओ सबको। चलो चलिए मैडम। ओ पाई साहब, कमाल करते हैं आप। ओ कौन है आप? पहले आप कट बोलते हैं, फिर आप डायरेक्शन देते हैं, आप आखिर हो कौन? ये फिल्मी सीन नहीं है, सरकारी सीन है, और इसे डायरेक्ट करने के लिए सरकार ने मुझे अपॉइंट किया। एसीपी एग्नल विल्सन, बॉम्बे पुलिस। बंद करो ये सब, चलो। आप मैडम लाइन में खड़े होने से मना कर रही है। ये मैडम नहीं है, मुरली बॉस है, सुल्तान मिर्जा की चहेती, तो सुर तो ऊंचे होंगे ही। यहाँ रुबाब दिखाने से क्या फायदा, ये मिजाज अगर सुल्तान मिर्जा के सामने दिखा तो माने। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मिजाज और मेरा मैसेज दोनों सुल्तान मिर्जा तक पहुंच ही जाएंगे। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि रेहाना की हर फिल्म में इसके यार सुल्तान मिर्जा का पैसा लगा है। अब ये पैसा सुल्तान ने कोई दूध बेच के तो कमाया नहीं है, तो गैर कानूनी पैसे से बनी हुई फिल्में भी गैर कानूनी। बंद कर दो ये सब। ओ नहीं भाई साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए, देखिए मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिल्म अगर दोबारा शुरू करनी है तो अगली बार ऐसा कलाकार लेना जिसका स्मगलरों के साथ उठना बैठना ना हो, और भी बेहतर होगा कि वो उनसे नफरत करते हैं, वरना फिल्में शुरू तो होंगी, उन्हें खत्म नहीं होने दूंगा। चलो बंद करो सब। या मैडम, वो लोकेशन की परमिशन नहीं मिली है, इसलिए आज भी। किसी की लोकेशन तो किसी की स्क्रिप्ट नहीं फाइनल होती, और कभी हीरो डेट नहीं देता, तो आज भी शूटिंग कैंसिल। ठीक है, Thank you.
ये मेरे लिए ऐसे है जैसे तुम्हारे लिए वर्दी पहनकर देश से गद्दारी करना। देश से वफादारी किसी एक शख्स से गद्दारी से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। प्यार मेरे लिए वफादारी से बढ़कर है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जीना प्यार से बढ़कर। इंसान की दुखती रग उसकी हर ताकत से बढ़कर होती है। सुल्तान की दुखती रग हो तुम और तुम्हारी एक्टिंग। ऐसे भी मुझे दो फिल्मों से निकलवा चुके हो तुम जीत गए। तुम सबूत लाइयो। तुम्हें मिलने का और क्या मकसद हो सकता है? ये लो। क्या है इसमें? ये समझ लो सुल्तान बंद है इसमें। जल्दी से इसे खोल कर देख लो इससे पहले कि मुझे यहाँ तुम्हारे साथ कोई देख ले। ये फोटो मत छापिएगा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि इस इंस्पेक्टर ने मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझसे रिश्वत ली है। ये तो फ्रंट पेज की न्यूज़ है मैडम, छपके रहेगी। ओह गॉड, प्लीज हटिए यहाँ से, हटिए। लेट मी गो। अम्मा, तू जब जब मिलती है कुछ अच्छा जरूर होता है। बेटा कैसा है? महंगाई के साथ साथ वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तू महंगाई की चिंता मत कर, बेटे की चिंता कर, उसे पढ़ा। मैं हूं ना। तुम जितना कर रहे हो ना कोई नहीं करता। बस दुआ में याद रखना। दस पैसे के अखबार ने एक बड़े ऑफिसर की इज्जत को उछाल दिया। अब सर आप क्या करेंगे, ट्रांसफर या रिजाइन? कौन हो तुम? क्या सर? कौन है तू? सोहेल खान। नाम नहीं पहचान बता। इंस्पेक्टर सोहेल खान, बॉम्बे पुलिस क्राइम ब्रांच। बीवी है घर पे? जी है। रात बाजारों के साथ गुजारता है या बीवी के साथ? बीवी के साथ सर। तनख्वाह तो तू पुलिस की लेता है, रिश्वत किस किस की लेता है? सर इसका इल्जाम कोई नहीं लगा सकता मुझ पे। माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है उनके साथ? सर क्या बात कर रहे हैं, दोजख में थोड़े ही ना जाना है मुझे। जब तू कोई गलत काम नहीं करता, इंस्पेक्टर सोहेल खान बम्बई पुलिस क्राइम ब्रांच, तो एक गुंडे की हरकत पे ताली क्यों बजा रहा है? आज के बाद सुल्तान मिर्जा का नाम सुनकर तुम्हारा खून नहीं खोला तो ठंडा कर दूंगा सबको। तो ना ट्रांसफर ना रिजाइन, पिछवाड़े में लात मार के बाहर निकाल दूंगा। अभी बाकी है, मुझे एक सुराग, एक मौका, एक मोहरा चाहिए तुझे खत्म करने के लिए। अगर मैं तेरा बाप नहीं होता ना तो इस वक्त तेरे पे मुकदमा चल रहा होता और सालों तक जेल में सड़ता तू। उस लड़के ने तुझे देख लिया था पर मैंने बात घुमा दी। मैंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। घूर मत, सड़ आज रात तू जेल में
ऐसे काम का यही अंजाम है। बैठ। अब्बा क्यों आ गई अकल ठिकाने? अपनी अकल देखिए, ताला खुला छोड़ दिया। तेरी तो कान। गर्म जोशी अच्छी चीज है, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो खुद को जला देती है। बर्फ की तरह ठंडा रहने का भी क्या फायदा साहब? थोड़ी देर अकड़े फिर पिघल गए। जो खुद नहीं पिघलते उन्हीं को पिघलाने के लिए कानून बना है। कानून तो मुझे अपने बाप जैसा ही लगता है, कमजोर लाचार गरीब। चुप कर बदतमीज। यही आपका कानून? हाँ, एक तमाचा चार बात एक रात हवालात। एक मशवरा है, अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाती है। पहचान ही तो बनानी है ना साहब, और शहर में करना ही क्या है? चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो, रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। सलाम सुल्तान भाई। कौन सा घोड़ा खेला है? 6 नंबर। लेकिन तुम यहाँ घोड़े के लिए नहीं आए हो, काम बोलो। रेस खत्म हो जाए फिर बात करते ना सुल्तान भाई। रेस खत्म होने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा बोलो। थोड़ी निजी बात है, मेरा बेटा हाथ से निकल गया है, कल खुद मैंने उसको जेल में बंद किया है। मेरी बात सुनता ही नहीं है, बिगड़ता जा रहा सुल्तान भाई। अगर आप, मैंने सोचा था आप कुछ कर देंगे तो। अपनी तरह वर्दी और वतन की कसम दिला दो। उसके बस की बात ही नहीं है सुल्तान भाई, गर्म खून है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ सुल्तान भाई। जिंदगी भर मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार आप अगर मेरी मदद कर दें तो। आपके इतने सारे बिजनेस हैं जिनका पुलिस से कोई वास्ता नहीं है सुल्तान भाई, किसी एक में लगवा दीजिए, लड़के की जिंदगी सुधर जाएगी। तेरे बाप ने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली, ये भी उधार है, कमा कर चुका देना और अपने बाप का नाम रोशन करना। आइंदा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोशिश करूंगा, कम से कम आपको तो खुश रख सकूं। शोएब की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। अपना और इसका चालू है भाई। शुक्रिया। सही लोगों से पहचान बना लिए शोएब,
अब तो तेरी मंजिल भी तुझे मिली जाएगी। क्या खान, 18 साल में तूने कभी प्रसाद नहीं खाया और आज भगवान ही बदल लिया। हमारी तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा लेना शोएब, कभी जरूरत पड़े तो दोनों में से एक भगवान चुन लेना। क्या कर रहे हो? सुबह सुबह ही दुकान से भाग आए? भाग के नहीं आया, पहली बोनी करके आया हूं। तेरे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूं। तो दो यहां सबके सामने, चल कोने में चल। चलना लड़कियों के लिए कौन सी दुकान से तोहफा लाते नहीं मालूम तुम्हें? क्यों, इसमें क्या खराबी है? हाँ चखना भी लेके आया हूँ। केक या पेस्ट्री नहीं ला सकते थे? वो तो जन्मदिन में खाते हैं ना, बोनी हुई है, पैदा नहीं हुआ मैं। एक मुमताज को ताजमहल और दूसरी को ये सब कुछ। तुझे मेरे प्यार की कदर नहीं है, पता है मेरे दोस्त ये बोतल देखे कितना खुश होते हैं? तो जाओ ना अपने दोस्तों के पास, उनके साथ पियो, हम पर ही मेहरबानी क्यों। कभी लड़कियों जैसी खुशी मनाई नहीं है ना मैंने। जिन गालों को चुमना था उन्हीं को गीला कर दिया। हाँ चल मार मुझे मार, लेकिन रो मत, मार मार मार। दूसरे गाल पे मार। क्या प्यार में हल्का हल्का मारती है, जोर से मारना। तुम हमेशा मौके की तलाश में रहते हो, है ना? जो मौका छोड़ दे वो कैसा मर्द। शबनम पीलूं तेरे गीले गीले होठों की सरगम पीलूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। है मुझ में समाई है यूं, जिस तरह तू कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूं। पी लूं तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम, पी लूं तेरी सांधी सांधी सांसों को हरदम, पी लूं
पीने का मौसम तेरे संग इश्क तारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरारी है सुबह न जाने क्यों कुछ मान जाती है ये हर लम्हा हर घड़ी हर पहर ही तेरी यादों से तड़पा के मुझको जलाती है ये पीलूं मैं धीरे धीरे जलने का ये गम पीलूं इन गोरे गोरे हाथों से हमदम पीलूं पीने का मौसम तेरे संग इश्क तारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरारी है तेरे संग इश्क तारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरारी है डोंगरी एक ज्वालामुखी की तरह है सर हमेशा दहकता रहता है आपका वहां जाना ठीक नहीं है दिल्ली से बॉम्बे क्या मैं ये सुनने आया हूं कि मैं अपने ही राज्य में खुलेआम नहीं घूम सकता आई एम सॉरी टू से सर पर अगर ये बात आप नेताओं ने पहले सोच ली होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती आजादी से आज तक वहां के लोग ना तो फैले हैं ना बड़े हैं बस सिकुड़ते ही जा रहे हैं अपनी ही गरीबी में लाचारी में उनके गुस्से की लहर सैलाब बन चुकी है सर पुलिस साथ है तो फिर डर कैसा जितने पुलिस वाले हैं उससे ज्यादा तो गलियां हैं वहां पर किसी सरफिरे ने चप्पल मार दी तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते अगर पुलिस सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती तो फिर और कौन देगा सर एक आदमी है कौन है वो सुल्तान मिर्जा प्रकार की परेशानी हो तो मुझसे कहिए मैं आप लोगों के लिए ही यहां आया हूं कोई कुछ नहीं बोल रहा सब घोरे जा रहे हैं Sultan!
सरकार खुद चल के तुम्हारे पास आई है, सुन लो क्या कहती है। बोलिए मंत्री जी, सब सुन रहे हैं। पॉलिटिक्स में आ जाओ, जीत जाओगे। अगर हमारा कैबिनेट पॉलिटिक्स में आ गया तो आपका कैबिनेट कबाड़ियों के भाव बिक जाएगा। जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। बात में तो दम है तेरी, लेकिन स्मगलर बनने का दम हर किसी में नहीं होता। नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह बहुत करता है। सुल्तान ने काम क्या दे दिया, उसकी सारी बातें ठीक लग रही हैं तेरे को। सुल्तान ने जो दिया है वो सरकार भी नहीं दे सकी, रोजी रोटी। तो बोल गट्टू, कौन बड़ा, सरकार या सुल्तान? अरे तुम लोग जिसकी तरफदारी कर रहे हो ना, वो सर से पांव तक पापी आदमी है। सही गलत का तोल मोल करने वाले हम कौन होते हैं, हाँ? वो एक से छीनते हैं तो दस में बांटते भी हैं, मारते हैं तो बचाते भी हैं। ना मुझे उसके सर पर बैठना है ना पैरों पर गिरना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। वजह तो है, पैसा। हाँ, और इसे भी जल्दी 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 पैसे कमाने का भूत सवार रहता है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इस खेल में जो पावर है ना उसका नशा ही अलग है। अपनी दुकान की तरफ ध्यान दे शोएब, अगर मैं तेरी जगह पे होता ना तो इन स्मगलर्स से इससे आगे की दोस्ती तो कभी नहीं रखता। मैं भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। मेरे जो जेवर चोरी हुए ना, ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप क्या खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है, हमें जरा और जेवर दिखाएंगी आप? तुम्हें मेरे जेवरों की फिक्र होती तो इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन बैठे होते। 40 बार फोन कर चुका हूँ मैं। मैडम हम आपको कोई हार दिखाएं? ये देखिए, पहले इसे उतारो जो पहना हुआ है। नहीं मैम, ये बिकाऊ नहीं है। कमीनी चोर मेरा हार पहन के मुझे ही तेवर दिखा रही है। क्या? हा? चल उतार, उतार इसे। ये तुम क्या कह रही हो? अरे देखो रमन, ये मेरा हार है, मेरी निशानी लगी है इस पर। चल उतार इसे। चोर कमीनी, हद से ज्यादा पढ़ रही है। हम आपको कुछ नहीं कह रहे और आप हमें चोर चोर कह जा रही है। ठीक है, तूने नहीं चुराया होगा, लेकिन किसी चोर से तो लिया होगा ना तूने। क्या बात है मैडम? अरे ये मेरा हार पहना हुआ है इसने, मेरे घर से चोरी हुआ था, पूछे से कहां से आया इसके पास। हम चोर नहीं है, ये हार हमें शोएब ने दिया है। शोएब? ये शोएब कहां मिलेगा? ये देखो, यही है वो शोएब, कहा था ना मैंने चोर कहीं का। हाँ। तुझे चोरी का हार दिया है इसने। हाँ। नहीं आया था हमारे घर, हमें बांध कर गया था, सारा सामान लेकर गया था। हाँ। अरे क्या हाँ कर रहे हो यहाँ पर छड़ों पर, अंदर जाकर देखो सामान है या बेच खाए। अरे ऐसे कैसे बेचेगा सामान, हमारा बेचेगा ये? अरे ओ भाई, अरे हमारा सामान कहाँ है? अरे हमारा रेडियो, हमारा टीवी। देखिए भाई साहब, ये भाई साहब हमारे घर में आए, हम बांध के चले गए और हमारा सारा सामान लूट लिया। टोकरी तो यहाँ रखिए देखो। अरे अरे भाई सुन रहे नहीं आप? अरे ओ भाई सुन रहे नहीं आप? ये घोड़ों पे पैसे लगाते लगाते गधे पे कब से लगाने लग गए? डुबो दिया ना इसने सब। शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही। भाई का एहसान मानना तो दूर, तेवर देखो साहब के। एहसान अब्बा पर किया था, मुझ पर नहीं। अपने साथ काम करने दो, फिर देखो नुकसान का पैसा दुगना वापस नहीं किया तो कहना। तुझे क्या लगता है ये धंधा आम का बाग है कि चार पत्थर जेब में डाले और घुस गए? कोई भी धंधा आदमी की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। हिम्मत बताई नहीं,
दिखाई जाती है। डालेंगे उसे। कश्ती लहरों से टकराएगी तो ही किनारे नसीब होंगे। ने कहा था ना एक भगवान चुन लेना, चुन लिया। आप बोलो, आप सही इंसान चुनने की नजर रखते हो या नहीं? क्या कहा तूने? कुछ नहीं। आज के बाद तू सिर्फ वही बोलेगा जो मैं सुनना चाहता हूं। चंद्रो, इसे काम सिखाओ। चलो, चल, चल। सुल्तान, ये आदमी टेढ़ा लगता है मुझे। सीधे लोगों का हमारे धंधे में क्या काम? ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि इसे जिंदगी से ज्यादा अपनी जीत प्यारी है। मुझसे बड़ी गलती हो गई। शोएब भी सुल्तान के गैर कानूनी रास्तों पे चलने लगा है। अब मैं क्या करूं साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुफा में अंधेरा कितना ही हो खान, किनारे पे रोशनी जरूर होती है। शोएब को अभी सुल्तान की चमक के आगे कुछ दिख नहीं रहा है। जिस दिन चमक जाएगी अकल आ जाएगी। और फिर हम में से एक है, कुछ होने थोड़े देंगे उसे। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ लोग अपना बुरा वक्त पीछे छोड़ने के लिए बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं। शोएब भी उन्हीं में से एक था। हर कंप्लेंट, हर फाइल, हर रिपोर्ट पर उसका नाम आने लगा था। तब मुझे लगा कि अपने खान का लड़का है तो शायद सुल्तान, वर्धन, पठान, विष्णु और वर्गीस, इन पांचों को खत्म करने के लिए शोएब मोहरा बन सकता है। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कोयले की खान में मशाल से रोशनी करने चला था, चारों तरफ आग लग गई। अभी ये लोखंड का ताला है, खादी की जेब नहीं कि ब्लेड मारो माल। अरे तू रुकना, अपने को तो डाउट है यार, एक मिनट में बिना चाबी के ये ताला कोई खोल ही नहीं सकता। तू बेकार की बात करना बंद कर और सुन, वो वायर दे। ये? अरे वो वायर देना। शोएब, क्या ये है? क्या ये? अरे ये तो पुलिस का सामान है, तू कहां से ढप के लाए इसे? तू एक काम कर, फेंक दे इसको, अपने में कोई काम नहीं है यार इसका, फेंक दे।
ये घोड़ा है घोड़ा, बड़े बड़े जिंदगी की रेस हार जाते हैं इसके सामने। इसकी लगाम जिसके हाथ में, पावर उसी का। एक मिनट में या तो बाजी पलट जाती है या खेलने वाला। अरे शोएब, क्या कर रहा है यार, छोड़ उसे, हटाना यार, क्या कर रहा है, जावेद बोल रहा है यार इसको, शोएब छोड़ ना। यहां मैंने उंगली दबाई और वहां तो खत्म। शोएब छोड़ ना यार, जाने दे यार। जब मैं और ये सुल्तान मिर्जा के साथ खड़े होंगे ना, तो उसकी ताकत दुगनी हो जाएगी, दुगनी। आदमी शराब पीने के बाद रोमांटिक हो जाता है, चांद तारों की बातें करता है, और एक तुम हो कि फ्लैशबैक में चले जाते हो। जो अपने बीते हुए कल से भागता है, वो जिंदगी की रेस कभी नहीं जीतता। अब 2 साल हो गए मुझे तुम्हारे साथ, रोज शराब पीते हो, रोज सुल्तान मिर्जा से मिर्जा गालिब बन जाते हो। इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए। वक्त भी कहां बदलता है, सिर्फ गुजरता है। तुम्हारे हाथ में होता तो तुम क्या बदलते? तुम्हें छोड़ के सब कुछ। एक्सक्यूज मी मैम, ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू मैम, मैं हमेशा इसे अपने दिल के पास रखूंगा, गलती से खर्च ना हो जाए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बटा हुआ हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में। अमीर ने 1000 का नोट फाड़ दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और गरीब ने तो आज तक 1000 का नोट देखा ही नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए, बनने से पहले ही सुपरहिट है। अब तो मुझसे एक्टिंग करवाओगी? एक्टिंग किसी और से करवा लेंगे, वो नया लड़का है ना अमित, नया सुपरस्टार, बहुत सूट करेगा, उसकी आंखें भी तुम्हारी तरह हैं, बहुत बोलती हैं। खाना ऑर्डर करें? यस। खाना कैसा है? गरम, तेरी तरह। हमारा मतलब है बना कैसा है। नमकीन और तीखा, तेरी तरह। तुम भी ना, पता भी नहीं चलता है सच कह रहे हो या हमें बना रहे हो। लड़कियों की यही आदत तो बुरी है, सच कहो तो कहती है बना रहे हो, और जब उन्हें बनाओ तो उस बात को सच मान लेती है। एक बात पूछें, बनाओगे तो नहीं? पूछो। वो हार वाली बात दोबारा नहीं होगी ना? दोबारा ना तो उस हार की बात करना, ना मेरी हार की। मुझे बस जीतना है, आगे बढ़ना है। वो गली, वो मोहल्ला, वो काम सब छोड़ दिए जो मुझे पीछे खींचते थे। खाना तो खा लो। नया घर लिया ताकि तुमसे उस भीड़ भाड़ में न मिला पड़े। देख मेरी तरफ, ये नायलॉन सिल्क शर्ट है, ये पता कितना महंगा है। हा? इस घर में 2-in-1 है, फोन है, कितने घरों में होता है, क्या ये सब तरक्की? सुल्तान मिर्जा के लिए काम कर रहा हूं मैं, जानती इसका मतलब? हाँ जानती हूँ, और हमें यह भी पता है कि उस काम में कितना खतरा है। हाँ हाँ मैं आ रहा हूं। सुल्तान, वो 3 बत्ती पे जो अपना गजरे वाला मनिया है, उसने खबर भेजी है, एग्नल को अपना पूरा प्रोग्राम मालूम है। डबल ढोल की हो मनिया, एग्नल के कान में भी उसी ने मुता होगा। एग्नेल को पता है ना, तो सारी सड़कें खोद डाली होंगी उसने। अरे वो अपनी गाड़ी निकलने ही नहीं देगा। तो क्या करें, वर्धन के पैसे लौटा दें? अरे अपनी इज्जत की माँ भी नहीं खोजा कि सुल्तान भाई, आज जो झुक कर सलाम करते हैं ना, कल दूर से ही खुदा हाफिज़ के निकल जाएंगे। तो क्या करें, ये बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये काम नहीं। करना क्या है,
चेक ने कड़वा के निकल जाएंगे और क्या। ए चंद्रू दिमाग से काम ले जरा। हे प्लान करना होगा कुछ। जिस काम की जबान आपने दी थी पहले उसे खत्म कर दो, फिर जो हमारे खिलाफ जबान चला रहा है उसे भी काट देंगे। और ये दोनों काम मैं कर सकता हूं। यहाँ पे बॉम्बे के सभी टॉप लोग आए हैं, बिल्डर्स, क्रिकेटर्स, हीरो हीरोइंस। वहां पे मेयर भी खड़ा है, दारू पी रहा है। शोएब चलो ना वापस चलते हैं, इन बड़े लोगों के बीच बहुत अजीब लग रहा है। सुल्तान भाई ने बुलाया, खास बुलाया मुझे, उनकी पार्टी है। उन्होंने कहा तुम नहीं आओगे तो पार्टी नहीं होगी। चल चुपचाप चल। मीट माय भाई। थैंक यू। काम खत्म होने से पहले ही पार्टी मांग ली। भाई वो बचपन से ही थोड़ा उल्टा हूँ। काम पूरा नहीं हुआ ना तो सीधा करना मुझे आता है। भाई वो बर्थडे पार्टी में होता है ना, बच्चे लोग रिटर्न गिफ्ट के बिना नहीं जाते। आज ये बड़े लोग भी नहीं जाएंगे। और भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, खड़े रहकर ऐसे ही बातें कर रहे थे। नहीं यहाँ खड़े खड़े गला सूख जाएगा। चलो वहाँ चल के दारू पीते। क्या यार मरवाएगा क्या यार? अरे तू फिक्र क्यों करता है, अपन भी वही दारू पियेंगे जो अंदर सब पी रहे हैं। चलो आजा। चलो ठीक है। तो कोई महंगा दर्जी पकड़ना, रियाना भाभी जैसे कपड़े पहनाकर। तेरा नक्शा अच्छा है, दिखना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और ये कितनी पी रखी है तुमने? आते ही शुरू हो गए। तो मैं क्या कोई टेंट कुर्सी वाला हूँ जो सब लोग जाने के बाद पीऊंगा? आपसे कुछ काम था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे पूछूं। पूछो। आपका फोटोग्राफर चाहिए। फोटोग्राफर किस लिए? क्या है ना आजकल मेरा भी फोटो आने लग गया अखबार में, लेकिन बहुत बेकार आता है। सोच रहा था एक आध मजेदार फोटो खिंचवा के भेज दूं सालों को, काम जैसा भी हो। फोटो अच्छा आना चाहिए। तुम सुल्तान की तरह बनना चाहते हो ना? थोड़ा थोड़ा उनका स्टाइल पसंद है मुझे। शोएब अच्छा काम कर रहा है, निकाह कर ले। मुश्किल है। क्यों? आजकल वो हर काम आपको देखकर जो करता है। यहाँ पे निकाह किया, वहाँ वो भी नहीं रुकेगा। मगर उससे पहले भाई इसकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है, समझने की कोशिश भी मत करना। काम हो? आधा काम हो गया, पार्टी खत्म होने के बाद पूरा हो जाएगा। तो पार्टी खत्म? यूं अचानक? जब मेरे बुलाने पे आए हैं तो मेरे बोलने पर जाएंगे भी? अरे ये तो मेरे साथ की गाड़ी है, इन्हें कौन रोकेगा? सुल्तान और उसके चमचों की गाड़ियों को बराबर चेक करेगा। ठीक है। ए खोल दो गेट। ए खोल दो, जल्दी खोलो।
गाड़ी में मेयर साहब बैठे। मुझे मेयर की नई गाड़ी की तलाश लेनी है। टिकी खोलो। ये क्या बदतमीजी है? मेयर होते हुए भी स्मगलर की पार्टी से आप आ रहे हैं और बदतमीज मुझे कह रहे हैं। मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। टिक्की खोलो, तलाशी लो, चलो बोनट खोलो। चेकिंग चल रही है, टिक्की खोलो, चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो, बहुत माल बाकी है। आज तो मजा आ गया। चल जल्दी कर, चल। आज तो पुलिस वाले बन के एकदम छा गए ले शोएब भाई। आज पहली बार अब्बा की वर्दी काम आई है। अरे संभालो, उस पे घड़ी और ट्रांजिस्टर्स हैं। अबे ओए, माल उठाने की जानी तेरे अंदर, एक दूंगा साले। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं शोएब, इसमें तो टूटने वाला सामान है ही नहीं। पर ये बात सुल्तान भाई को हजम नहीं हुई यार। सलाम भाई। चीते की रफ्तार से, अजगर की पकड़ से और सुल्तान के दिमाग से कोई नहीं बच सकता। ये काम इस लड़के ने किया है वर्धन। अगर मैं होता तो माल यहां तक पहुंचता ही नहीं। क्या सुल्तान, तुम काम हाथ में लो और वो पूरा ना हो, ये मैं नहीं मान सकता। ये तो मानोगे कि आज मेरा जन्मदिन है। आओ केक काटते हैं। अरे सुल्तान, पहले बताने का था ना, मैं तेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आता था। हाँ बोल बोल, क्या चाहिए तुझे, बोल। माचिस है। माचिस, ये ले। ए सुल्तान, ये तूने क्या किया है? पागल हो गया तू? अरे तेरे को मुनाफा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? हिस्सा ज्यादा चाहिए तुझे तो बोल, मैं देगा तेरे को। बर्दन, मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती। उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत समीर नहीं देता। उस काम के बाद शोएब नहीं रुका। उसका नया दिमाग, उसकी नई सोच उसे धंधे में काफी आगे ले गई। उसने एम्बुलेंस में सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी। लोगों में भी उसका खौफ बढ़ता जा रहा था, पर मैंने आंखें बंद कर रखी थीं क्योंकि शोएब सुल्तान के करीब आ रहा था। शोएब को एक आदमी की तलाश थी, मेरा खबरी, जोनी के बीच रहकर उन्हें धोखा दे रहा था। यारों का दिल खो जाता है। दो दिल, दोनों जो
टांग तोड़ दी उसकी, लेकिन वो भाग गया। जब घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो सब जानते हैं उसके साथ क्या करना चाहिए। सुल्तान भाई ने बोला है आज का नंबर लंगड़ा, कल सुबह 11 बजे जहाज का नाम अल मदीना। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। जाना है, हमें जाने दो। बाहर निकल। सुना ना तूने? जाने दे। लगता है तूने नहीं सुना। अबे साले, एम्बुलेंस में सोना लेके जाते हो और गाड़ी में मरीज, पुलिस को क्या बेवकूफ समझ रखा है? चल बाहर निकल। ए ड्राइवर, चल गाड़ी की डिक्की खोलो, तलाशी दे। ए वर्दी, तलाशी लेनी है ना तुझे गाड़ी की? चलो टिकी चेक करते हैं। पूरी गाड़ी दिखाता। ये देख, देख कुछ है क्या? She is suffering from congenital heart disease. मैं समझा नहीं। मतलब उनके दिल में छेद है। अक्सर ये बीमारी बच्चों को माँ के घर में ही लग जाती है, बचपन में ही पता लग जाता है। तो अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस कुछ और साल। I'm sorry, I'm really sorry. जितना हो सके उतना ख्याल रखिए। आप उनसे मिल सकते हैं। दिल है बंबई का और बंबई मेरी महबूबा।
से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमेशा तेरी लहरों की तरह चला बेबाक, ना किसी की सुनी ना किसी की चलने दी। पर गलती ये हुई कि मेरा प्यार थोड़ा सा पट गया। अब तो ही पता किसे दिल से लगा। तू धंधा छोड़ने की बात कर रहा है? बंबई ने मुझे जो कुछ दिया है वो सब मैं रिहाना के लिए छोड़ सकता। कोई फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि बंबई का दिल बहुत बड़ा है, डरता हूं कोई इसे तोड़ ना दे। आज तक सब लोग चुप हैं सिर्फ हमारे धंधे की वजह से। धंधा छोड़ दिया ना सबकी आवाज खुल जाएगी। मैं जो कुछ भी हूं अपने धंधे की वजह से नहीं, अपने फैसलों की वजह से हूं। आज तक इस शहर ने मेरा हर फैसला माना है और आगे भी मानता रहेगा। नहीं सुल्तान, अगर हम धंधे में नहीं रहेंगे तो जिन लोगों की गर्दन आज तक हमारे सामने उठी नहीं उनका हाथ हमारे गिरबान तक होगा। उसके बाद डर खत्म, इज्जत खत्म, कानून हमारे पीछे। इन चीजों को काबू में रखने के लिए धंधा नहीं दिमाग चाहिए। मैं अपनी जिंदगी का तरीका बदलने जा रहा हूं, तेवर नहीं। आज फिर मैं बकरा, हमेशा मेरी भाई। सलाम। सलाम भाई। सलाम भाई। ये बेचारी इतना नहीं नाची होगी जब इसमें शराब थी, तो अब इतना क्यों घूम रही है? भाई हम तो बस यूं ही खेल रहे थे। तो खेल भाई, अगर आप नहीं मिलते तो मैं मिट्टी में मिल जाता। जब तक नाल और नकेल नहीं लगती हर घोड़ा खच्चर ही लगता है। इस घोड़े की लगाम जब तक आपके हाथ में, ना ये रुकेगा ना बैठेगा। तो कान से नहीं दिमाग से सुन। मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक यहां का धंधा तू संभालेगा। और याद रखना, ना ही ये विरासत है और ना ही खैरात। कोशिश करूंगा, इस बार शिकायत का मौका ना दो। मौका मिलेगा भी नहीं। ने शहर को 5 लोगों में बांट दिया है। शहर है द्रौपदी। तू पीने के बाद कुछ भी बोलता है। मजाक नहीं जावेद, इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, सुल्तान और मैं। बाकी पांडू सब बनवास जाएंगे। तू करना क्या चाहता है? इसे चूमना चाहता हूं, बाहों में भरना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, वो सब करना चाहता हूं जो मुझे ऊपर तक लेके जाए। सुल्तान से भी ज्यादा ऊपर? उससे ऊपर नहीं तो उससे कम भी नहीं। लोग सुल्तान को स्मगलर कहकर बुलाते हैं। सुल्तान मुझे डॉन कहकर बुलाएगा और मुझे अपने गले से लगा लेगा। मेरी नजर से देख जावेद, ऐसा लगता है किसी और की महबूबा अपनी मुट्ठी में आ गई हो। मुट्ठी खुल गई तो मैं वो बाहर से निकल जाएगी, इससे मसल दूंगा लेकिन निकलने नहीं दूंगा। और कितना टाइम लगेगा?
मंत्री जी थोड़े व्यस्त है, मिलेंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा। शोहेब भाई एक काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मुझे अपने भाई को मरवाना है। काम खत्म होने के बाद मेरा आदमी तुम्हें यह सुपारी का टुकड़ा दे देगा, जोड़ के देख लेना और माल दे देना। काम हो तो जाएगा। अब सुपारी लिए तो चूना नहीं लगाऊंगा। ये पहली सीढ़ी है जावेद, देखना सुल्तान के लौटने से पहले मैं इस 5 लाख को 50 में कैसे बदलता हूँ। सर, सुल्तान साहब आपसे मिलने के लिए रोज आ रहे हैं, क्या जवाब दूँ? मैं कौन हूँ? गृह मंत्री, और वो बंबई का एक मामूली गुंडा। उसे क्या लगता है कि हम उसके लिए यहाँ बेकार बैठे हुए हैं? बैठा रहने दो उसे। शराब बेचने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते जो सिर्फ वर्धन जानता है। ये काम इतना आसान है कि चंद्रू भी कर सकता है। आज से अपनी भट्टी होगी, अपना मुनाफा। ए, कालिया को बुला। सुल्तान भाई हम सबको भट्टी में डाल देंगे। तू जानता है ना कि कालिया के नाम से कितना तप जाते हैं? एक पैसे का भरोसा नहीं होने कालिया पर। उनका भरोसा मुझ पर है, इसलिए अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाया है। जो बोला है वो कर, दिमाग नहीं है तो मत चला। सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बंबई कांपती है, लेकिन ये तो यहाँ भीगी बिल्ली बन के बैठा है। ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा। क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है तो। हल्के में मतलब चुप रहे बस। गन चलाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। हमारे धंधे में आज तक किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। वक्त तेजी से बदल रहा है, अगर धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सुल्तान के आने तक रुक जाओ। अगर मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी, वर्धन और पठान ये लोग बाजी मार जाएंगे। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है शुएब। धंधे में कोई किसी का दोस्त नहीं होता पैट्रिक। हम क्या चाहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सुल्तान क्या चाहता है वो जरूरी है। लेकिन इस वक्त यहाँ सुल्तान नहीं, मैं हूं। आपके खराटे भी आपके भाषण की तरह हैं, लंबे लंबे। तुम यहां कैसे आए? मंत्री, अभी तक हम इतने मामूली भी नहीं हुए कि कहीं पहुंचना चाहे और कोई रोक ले। क्या बदतमीजी है ये? मेरा मतलब है कि क्या चाहिए तुम्हें? खादी, कीमत बोलो। ये मुमकिन नहीं है, आजकल सरकार नई पार्टी बनाने की अनुमति नहीं दे रही। जब से होश संभाला है मैंने काम ही वही किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। अगर अनुमति दे दें तो सरकार को क्या मिलेगा? सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है, सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे उस शराब की एक एक बोतल चाहिए जो शोएब की भट्टी में से निकली है, और सारी शराब गटर में बहा दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि पुलिस का काम है, अंडरस्टैंड? आप सारे सबूत मिटाना चाहते हैं सर? इससे तो शोएब का हौसला और बढ़ जाएगा। कालिया बयान दे चुका है,
12 लोग मर गए उसकी शराब को पीकर, हम शोएब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्या होगा उसे? दारा को सुल्तान ने मारा था ना, क्या हुआ? 10 मिनट में छूट के चला गया, ये भी छूट जाएगा। इन सालों के पब्लिसिटी एजेंट बनकर रह गए, हम इन्हें गिरफ्तार करते पर साले रिहा हो जाते। मतलब हमारा सारा काम इनके कारनामों पे पर्दा डालने के लिए है। इनको तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इनकी ताकत इनकी एकता में है, एक बार ये मुट्ठी खुल गई तो सबकी गर्दन हमारे हाथ में आ जाएगी। पर ये मुट्ठी खोलेगा कौन? यही शोएब, जिसके कारनामों पे आज हम पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन वो तो सुल्तान का खास है। वो किसी का खास नहीं है। लेकिन वो सुल्तान के खिलाफ क्यों जाएगा? उसके कदम तो सुल्तान के खिलाफ कब के बढ़ चुके हैं। समझा नहीं? सुल्तान ने चाहे काम कितने ही गंदे किए हों, उसने कभी शहर गंदा नहीं किया। उसने समुंदर पर राज किया है, इसलिए आज भी लोग सड़कों पर महफूज हैं। लेकिन शोएब ने तो सारे असूलों की पोटली बनाकर समुंदर में बहा दी। अब जब दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने होंगी तो टक्कर तो होगी। पर हाँ, नुकसान भी उसी का ज्यादा होगा जो धीरे चल रही और पुरानी हो चुकी है। मुझे ट्रेन की परवाह नहीं है, मुझे पटरियां साफ चाहिए। पर शोएब तो खान का बेटा है ना? अब किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। शहर बड़ा अपनी जेब में पड़ा, खुला राज है बस क्या। ओ उंगली ये ट्रिगर पे है, डेयरिंग भी जिगर में है, अपनी ठाड है बस क्या। ओ अपना टाइम है, ऐश कैश भी जबरदस्त है, अंडरग्राउंड हर चीज का यहाँ बंदोबस्त है। बाबूराव मस्त है, मस्त है, मस्त मस्त 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 है। सीधा ठोक दे उधर, 6 फुट गाड़ दे बस क्या। ब्लैक व्हाइट में रॉन्ग राइड सब एडजस्ट है, अंडरग्राउंड हर चीज का यहाँ बंदोबस्त है। बाबूराव मस्त है, मस्त है, मस्त मस्त है। बाबूराव मस्त है, मस्त है, मस्त मस्त है। सुल्तान भाई, अगले हफ्ते तुम्हारे इलाके में रैली रखी, वहीं इस बात का ऐलान कर देंगे कि तुम हमारी पार्टी में आ गए हो। तैयारी करो, तैयारी, पोस्टर छपेंगे पोस्टर। हाँ, वांटेड के नहीं, वोट के। ओ दुनिया ये मतलबी है, बड़ी कमीनी जगह है यारा, मांगे कुछ मिलता है कहाँ। सिस्टम सारा ये चले, जिले पाड़ के बस क्या। ओ उंगली ये ट्रिगर पे है, डेयरिंग भी जिगर में है, अपनी ठाड है बस क्या। बीच लाइन में है सभी खड़े, अब उन्वस्त है, अंडरग्राउंड हर चीज का यहाँ बंदोबस्त है। बलराम मस्त है, मस्त है, मस्त मस्त है। बलराम मस्त है, मस्त है, मस्त मस्त है। जो बिस्तर पे जबान देते हैं वो अक्सर बदल जाते हैं। मेरा हिसाब अलग है, तेरे डांस में भी दम है और रोमांस में भी। चिपक के रहना,
हीरोइन बना दूंगा। वो आने में इतने दिन लगाती है भाई? सरकारी काम मालूम है ना, मंत्री ने हमारे इलाके में रैली रखी है। अब देखना अपनी गाड़ी के ऊपर भी लाल बत्ती घूमेगी। तू खुनी है, तू मेरा बेटा वापस कर। तेरी बनाई हुई जहरीली शराब पीकर मर गया मेरा बेटा, मर गया। तूने मारा है उसे, तूने। कभी चैन से जी नहीं पाएगा तू। तेरे ऊपर खुनी नरक में जाएगा तू। बाहर सिंगा ने काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आदमी तभी बड़ा बनता है जब बड़े लोग उसे मिलने का इंतजार करें। जा, दो मिनट के बाद भेज देना उसे। इससे पहले कि मैं तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूं, अपने सारे धंधे बंद कर दे। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। पैट्रिक, शहर साफ चाहिए। शोएब वापस करो और मत पियो। हाथ हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बचपन में अब्बा ने मुझ पे हाथ उठा के मुझे उनके खिलाफ कर दिया था। ना तो अब मैं बच्चा हूं, ना सुल्तान मेरा बाप। मुझे लगा बाप से ज्यादा मेरी इज्जत करता है, इसलिए उस पे धंधा छोड़ा। लेकिन उसकी फितरत में धोखा है। बाप को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मुमताज को धोखा देगा, एक तेरे शहर को धोखा देगा। गलती मेरी थी, मैंने सोचा था हम दोनों मिल बांट के राज कर लेंगे, लेकिन राजा सिर्फ एक ही हो सकता है। मैंने उसे अपना सिपाही बनाया, वो शहर का राजा बनने चला है। इस शहर पे सुल्तान का नाम नहीं लिखा है कि वो जो चाहेगा वैसे ही होगा। वर्दा ने कुछ करना चाहा, उसे रोक दिया। मैंने कुछ करना चाहा, मुझे रोक दिया। खादी का कीड़ा काटा है, नेता बनेगा। ये धंधा स्पीकर की आवाज से नहीं, गोली की आवाज से चलेगा। पैसे के लिए गोलियां चलाई, खून बहाया। जिन उंगलियों को घोड़े की आदत लग जाए उनमें लगाम डालना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वो इस रास्ते पे इतना आगे निकल चुका है कि उसे रोकना नामुमकिन है। शोएब, आगे बढ़ने से पहले सोच लो, कहीं ये रास्ता गलत तो नहीं? ये रास्ता भी मेरा है, ये फैसला भी मेरा है, और ये शहर भी मेरा होगा, समझी? क्या हो गया तुम्हें शोएब? डर लग रहा है हमें, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम सोचते थे तुम सबसे अलग हो, पर अब हमें लगता है हम तुम्हें जानते ही नहीं है। कौन हो तुम शोएब? तुम्हारी बात का जवाब दे दिया तो तुम्हारा सवाल बुरा मान जाएगा। बस बहुत हो गया सवाल जवाब, अब देखना यह कि आंख मिला के बात करता है या पीठ पीछे वार। रात की सोच बहुत काली होती है ईश्वर, जाकर सो जा। तुम जागती रहना, मुझे नींद नहीं आई तो वापस तुम्हारे पास ही आऊंगा।
भाई कहाँ जा रहे? हम चलते हैं ना साथ में। हाँ मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्ज़ा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। अंदर आ जा। तू तो दुश्मन है। दोस्त ने हाथ उठाया है, दुश्मन बढ़ा रहा है। सोचो मत, बैठ जाओ। सुल्तान तुम्हारा रफ्तार से डर गया है। उसको मालूम है कि तुम अपना रास्ता खुद बनाएगा, इसलिए तुम्हारा हिम्मत को बढ़ाने की बजाय वो तुमको दबाना चाहता है। वो बदलाव से डरता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सुल्तान को रास्ते से हटाना होगा। फैसला तुम्हारा है। याद रखना, जो वक्त से हाथ नहीं मिलाता वो वक्त गुजर जाने के बाद अपना सिर पकड़ के रोता है। सुल्तान को मौत भी सुल्तान वाली ही देंगे। कल उसकी रैली है, लेकिन वहां पे शोर नहीं, मातम की खामोशी होगी। लेकिन याद रहे, अगर सुल्तान बच गया तो हम सब खत्म। अब्बू, अब्बू दरवाजा। मुमताज बेटा क्या हुआ? अब्बू वो सुल्तान को मारने के लिए निकले हैं। आप कुछ कीजिए, रोकिए उन्हें, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तुमने सरकार में आने की सोची और सरकार ने भी गलत काम शुरू कर दिए तुम जैसे को शामिल करके। जब दोस्त बना के काम हो सकता है अग्निल साहब, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? आज मैंने सरकार को भी दोस्त बना लिया। अगर ये गलत काम बंद नहीं किए ना, तो ये नया दोस्त ही तुम्हें सबसे भारी पड़ने वाला है। आदमी हालात बिगाड़ने के लिए बुरे काम नहीं करता, हालात सुधारने के लिए करता है। क्या आपके इन हालात में जरूर सुधार आएगा, हर नल में पानी होगा। तुम्हारा मतलब है कि हर कोई अपने हालात सुधारने के लिए बुरे काम शुरू कर दे? सर, हर कोई गलत काम ना करे, इसलिए किसी ना किसी को तो सुल्तान मिर्जा बनना ही पड़ता है। कुछ लोगों की मदद करके तुम्हें लगता है कि तुम मसीहा बन गए? हमारी पार्टी ने आप ही के एक हमदर्द को चुना है, और वो है सुल्तान मिर्जा। जवाब मिल गए मियां साहब, या कोई और सवाल है मन में? मैं जब बचपन में भाषण सुनता था तो सोचता था नेता को पत्थर मारूं और भाग जाऊं।
लाउडस्पीकर की आवाज सुनकर कभी अमीरों ने जमघट नहीं लगाया, गरीब ही हमेशा खींचे चले आते हैं, ये सोच के कि आज उनके मतलब की बात हुई। लेकिन आज तक कुछ नहीं, वो बोलकर चुप हो गए और हम चिल्लाते रह गए। एग्नेल साहब, सुल्तान को यही मारने का प्लान है। क्या? कौन? शोएब। सुल्तान पीछे नहीं हटेगा, हमें शोएब को ही रोकना पड़ेगा। शोएब, तुम जाके वहां डेस्क के सामने खड़े रहो और अपनी आंखें खुली रखना। तुम अपने आदमियों को लेकर पीछे से आओ। आजादी तो सिर्फ अमीरों को मिली है, बाकी सब आज भी गुलाम है। पहले अंग्रेजों के थे, अब गरीबी के हैं। हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती, कुछ किताबें कबाड़ी की दुकान पे भी मिलती हैं। हम सब उन किताबों में से। और तेरे साथ और कौन? एक और आज तक आप लोगों ने मेरे यहां फरियाद तब की जब आपकी किसी ने ना सुना, ना पुलिस ने, ना सरकार ने। उन सब के बाद आप मेरे पास आए, लेकिन अब आप सबसे पहले, सबसे पहले मेरे पास आ सकते हैं। अम्मी अम्मी, मुझे पिस्तौल चाहिए। घर पे है ना बेटा? अम्मी मुझे वो चाहिए। मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूं, तेवर नहीं। ये सारी जगह सील कर दो। कौन है साथो? सर, कह रहा था दो लोग हैं, दोनों मिल गए, खतरा टल गया सर। जब तक शोएब है खतरा है। दोनों पकड़ा गया, प्लान फेल, अब सुल्तान को धर नहीं पा सकता। अपने लिए जरूर था, लेकिन अब लगता है जब तक आप लोगों के सपने पूरे नहीं होते, मुझे भी नींद नहीं आएगी। चलता हूं, दुआ में याद रखना।
आज बंबई तबाह हो गया है। वो बंबई जो सुल्तान की महबूबा थी, जिसे शोएब अपने काबू में रखना चाहता था, और मैं महफूज। सही और गलत के बीच चुनना आसान है, लेकिन दो गलत लोगों में से एक चुनना बहुत मुश्किल, और यही मैं चूक गया। माफिया अकेली जिम्मेवार नहीं है शोएब को बनाने में, पुलिस भी उतनी ही गुनहगार है। और आज 18 साल बाद वो इतनी दूर निकल गया है कि उस तक पहुंचना भी नामुमकिन है। हिंदुस्तान में ना रहकर भी वो बंबई पे राज करता है।